पीपीओ और एमक्यूएम की निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के लिए मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध होंगे। मुराद अली शाह ने क़यादत से मंजूरी ले ली, हतमी ऐलान कुछ देर में किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान-ए सदर में तकरीब हल्फ बरदारी, सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया, तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ को डी नोटिफाई कर दिया गया। हल्फ बरदारी की तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की हलबरदारी की तकरीब के बाद गुफ्तगू, कहा मुल्क वसाइल से मालामाल है, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के लिए भी राबतों में तेजी। कुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने नाम सामने रखे। ज़राए के मुताबिक बीएपी ने कहदा बाबर, मीर एजाज सजरानी, नज़ीर बज़िंजो के नाम सामने रखे। मुलाकात में मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। करिया करिया नगर नगर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, आज़ादी के मतवालों ने सब्ज हिलाली परचम, झंडियां और रंग बिरंगी लाइट से पूरा देश सजा दिया। दिन का आगाज़ वफाकी सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21, इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में मुल्की इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआएँ। सदर आरिफ अलवी ने कन्वेंशन सेंटर में सब्ज हिलाली परचम लहराया। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड के फ़राइज़ संभाले। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कमोडोर मोहम्मद खालिद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मुफक्करे पाकिस्तान के मज़ार पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहों की कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। आईएसपीआर ने पैगाम में कहा कि आज़ादी का दिन हमें अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाता है। ये दिन खुद मुख्तार वतन के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुल्क के दिफा के खातिर सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। अहद करें, समाजी हम आहंगी कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। अहद करें, दुश्मन कुव्वतों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती का दिफा करती रहे। अफवाज पाकिस्तान कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। और बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के रंग में रंग गया। आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम, सब्ज और सफ़ेद लाइटों से दिलकश मनाजिर, आज़ादी का जश्न मनाएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। 14 अगस्त की मुनासिबत से अपनी सेल्फी या वीडियोस हमें अरसाल करें। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।